Hi guys, in this video I will tell you 10 one word substitution. So friends, here the group of words we have mentioned and I am going to tell one word. So the first word is here and a portable radio set. So can you guess the word what can be used for the group of words a portable radio set? And I think the right answer should be transistor. The right answer is transistor. So transistor is called a portable radio set. Okay, now the next two words are very simple, very common, we must need to know. And the word is words having the similar meaning. Can anybody tell me what is the right answer? Synonym. So the right answer should be synonyms. And the same way, words having the opposite meaning. Can anybody tell me? Antonym. So the next word is antonym. यानी कि समान अर्थ वाले को सिनोनिम कहते हैं और उल्टा, ठीक है, अपोजिट वर्ड वाले को हम लोग क्या कहते हैं? एंटोनिम. तो हम लोगों ने ट्रांजिस्टर आ सीखा, सिनोनिम को सीखा और एंटोनिम को सीखा. अब हम आपको एक ऐसे वर्ड सिखा रहे हैं जो प्रत्येक 2 सालों पर घटित होता है. कितने सालों पर घटित होता है? 2. तो इसको हम लोग कहते हैं बाईएनियल, BIEMMIAL. इसको हम लोग क्या कहते हैं? बाईएनियल, ठीक है. अब हमको कहता है समथिंग दैट सर्व्स एज अ रिमाइंडर, ठीक है. तो इसको हम क्या कहते हैं कि जो आपको एक मेमोरी के तौर पर याददाश्त के तौर पर आपको कुछ दिया जाता है, तो दोस्तों इसको हम कहते हैं मोमेंटो. आपको जरूर आपके अच्छे काम के लिए मोमेंटो प्रदान किया जाता होगा. तो हमने 5 वर्ड सीखे, ट्रांजिस्टर, सिनोनिम, एंटोनिम, बाइएनियल एंड मोमेंटो. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास है, प्लेसिवर क्लॉज सर्किट. चलिए तो इसमें जो हम लोगों का होगा ए प्लेस वेयर क्लॉथ्स आर के, इसको हम लोग कहते हैं वार्डरोब. क्या इसको हम लोग कहते हैं? वार्डरोब, ठीक है ना. चलिए अब हम लोगों ने सुना होगा, ऐसे विद्यार्थी को देखे होंगे जो किताबों की दुनिया में खोया रहता है, तो ऐसे हम विद्यार्थी को कहते हैं एन एविड बुक रीडर, जिसको हम कहते हैं बुक बॉय. क्या इसको हम लोग कहते हैं? बुक बॉय. किताबी कीड़ा जिसको हम कहते हैं. बहुत अच्छा, आपने साइंस पढ़ा होगा, साइंस में फिजिक्स पढ़ा होगा, वहां पर आपके टीचर ने जरूर बताया होगा स्पीड क्या होता है, मोशन क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है. तो मैं एक डिफिनेशन लेकर आया हूं, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वन डायरेक्शन. किसी भी ऑब्जेक्ट का अदि डायरेक्शन, ठीक है, सॉरी स्पीड एक डायरेक्शन में होता है. किसी वस्तु की डायरेक्शन या स्पीड, जब हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट का जो स्पीड गति जो होता है एक डायरेक्शन में होता है दोस्तों, तो इसको हम वेलोसिटी कहते हैं. क्या कहते हैं इसको हम लोग? वेलोसिटी. चलिए बहुत अच्छा आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं. अब फुल ऑफ क्रिटिसिज्म, जिसमें हम किसी की निंदा करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं. क्रिटिसिज्म का मतलब सिर्फ निंदा करना नहीं होता है, अच्छे को अच्छा कहना और गलत को गलत कहना. तो फुल ऑफ क्रिटिसिज्म एंड मॉकरी, तो हम इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, और वह वर्ड होता है हमारा सटायर, SATIR. एक हमारा लिटरेरी टर्म होता है, हम लोग लिटरेचर में इसका अध्ययन करते हैं. सटायर क्या होता है, लग्री क्या होता है, इपिक क्या होता है, लिटरेरी टर्म्स है. मर्डर ऑफ एन इंसेक्ट, तो आपने पढ़ा होगा कई तरह के साइड वर्ड, जैसे इंसेक्टिसाइड, इंफेंटिसाइड, रेजिसाइड, फैट्रीसाइड, ठीक है ना. तो उसमें एक वर्ड हमको पढ़ना है इंसेक्ट, तो इंसेक्ट के लिए हमारे पास क्या होगा? इंसेक्टिसाइड, ठीक है. ये चीज हम लोगों को देखना है. तो दोस्तों जरूर हमें बताएंगे कमेंट कर करके कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा. वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे दोस्तों, और मिलते हैं नए वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ.